सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन सहायता को और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए हर रोज लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ब्लॉगर पोस्ट के अंदर फेसबुक कमेंट बॉक्स कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए, ब्लॉगर के अंदर फेसबुक कमेंट बॉक्स लगाना बहुत ही आसान है। आपको अपने एचटीएमएल के अंदर सिर्फ दो कोड ऐड करने होंगे, उसके बाद आपका फेसबुक कमेंट बॉक्स लग जाएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से दो कोड अपने एचटीएमएल के अंदर ऐड करने हैं और कहाँ पे करने हैं। तो देखिए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दिया है। जैसे ही आप उस वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर आपको सब कुछ बताया गया है कि कैसे आपको फेसबुक कमेंट बॉक्स लगाना है और कहाँ पे लगाना है। ओके, जब आप इसमें थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ये दो कोड दिए गए हैं। ओके, पहला कोड ये है और दूसरा कोड ये। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो पहला कोड है वो आपको क्लोजिंग बॉडी टैग से पहले लगाना है। ओके, तो चलिए पहले हम इस क्लोजिंग बॉडी टैग को सर्च कर लेते हैं अपने ब्लॉगर के अंदर। ओके, तो उस वेबसाइट को ओपन कर लेने के बाद आपको अपने ब्लॉगर में लॉगिन कर लेना है। ओके, लॉगिन करने के बाद आपको अपने ब्लॉगर के अंदर थीम ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। थीम ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे एडिट एचटीएमएल ऑप्शन मिल जाता है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये यहाँ पे एचटीएमएल एरिया है, इसके अंदर आपको कहीं पे भी एक बार क्लिक कर देना है और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एफ दबा देना है। उसके बाद ये यहाँ पे एक सर्च बॉक्स आ जाएगा। अब इस बॉक्स के अंदर आपको क्लोजिंग बॉडी टैग टाइप करना है। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे क्लोजिंग बॉडी टैग टाइप कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको भी क्लोजिंग बॉडी टैग टाइप कर देना है और उसके बाद इसे सर्च कर लेना है। तो सर्च करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से एंटर दबा देना है। उसके बाद जहां पे भी ये क्लोजिंग बॉडी टैग होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये रहा हमारा क्लोजिंग बॉडी टैग। अब इसके जस्ट ऊपर हमें हमारा पहला कोड पेस्ट करना है। तो चलिए हम दोबारा से अपनी वेबसाइट पर चलते हैं। ओके, और ये जो पहला कोड है इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। उसके बाद हम दोबारा से ब्लॉगर के अंदर चलेंगे और क्लोजिंग बॉडी टैग के जस्ट ऊपर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये जो कोड है वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब मैं अपनी थीम को यहाँ से सेव थीम पे क्लिक करके इसे सेव कर देता हूँ पहले। तो हमारा जो पहला कोड है वो यहाँ पे लग चुका है। अब चलिए मैं दूसरा कोड लगाने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि मेरे ब्लॉगर के अंदर पहले से ही फेसबुक कमेंट बॉक्स है या फिर नहीं। ओके, उसके लिए हम व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कहीं से भी एक पोस्ट को ओपन कर लेंगे। ओके, ओपन करने के बाद हम यहाँ पे नीचे कमेंट देखेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लॉगर कमेंट लगा हुआ है, कहीं पे भी यहाँ पे फेसबुक कमेंट बॉक्स नहीं है। ओके, तो चलिए अब हम दोबारा से ब्लॉगर के अंदर चलते हैं। तो हमने पहला कोड यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो चलिए अब हम अपना दूसरा कोड यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, तो चलिए हम दोबारा से उस वेबसाइट पे चलते हैं और मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस वेबसाइट का लिंक देख सकते हैं। ओके, अब देखिए हमारा ये जो दूसरा कोड है ये हमें इस कोड के बाद पेस्ट करना है। ओके, तो पहले हमें अपने एचटीएमएल एरिया के अंदर ये कोड सर्च करना होगा। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद दोबारा से ब्लॉगर के अंदर चलते हैं। अब देखिए ब्लॉगर के अंदर ये रहा हमारा सर्च बॉक्स। यहाँ से मैं ये जो क्लोजिंग बॉडी टैग है इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे हमारा जो दूसरा टैग है जिसे हमें सर्च करना है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जो कि मैंने उस वेबसाइट से कॉपी किया था। ओके, तो मैंने अपना जो टैग है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से एंटर करूंगा और इस कोड को सर्च करूंगा। तो ये देखिए ये जो कोड है ये कहीं पे भी होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये जो कोड है वो कुछ थीम के अंदर दो बार पाया जाता है। यदि ये कोड दो बार है तो आपको इस कोड के दूसरे कोड के ऊपर रुकना है। ओके, तो मेरी थीम के अंदर ये कोड सिर्फ एक बार है। ओके, तो आपको जब ये कोड मिल जाता है तो आपको इस कोड के आगे एक बार क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड से एंटर दबा देना है। ओके, अब देखिए इस कोड के नीचे आपको यहाँ पे एक स्पेस मिल गया है। इसके बाद दोबारा से आपको उस वेबसाइट के ऊपर चलना है और इस वेबसाइट के अंदर से आपको ये जो सेकंड कोड है इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ओके, इसको यहाँ से कॉपी कर लेने के बाद आपको दोबारा से ब्लॉगर के अंदर आ जाना है और ब्लॉगर के अंदर आपको इस टैग के नीचे वो जो सेकंड कोड है उसको पेस्ट कर देना है। ओके, तो हमारा जो सेकंड कोड है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। सेकंड कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देने के बाद आपको अपनी थीम को सेव कर लेना है। उसके लिए आपको सेव थीम पे क्लिक करना है और अपनी थीम को सेव कर लेना है। अब चलिए हम अपने ब्लॉग को दोबारा से ओपन करके देखते हैं और देखते हैं कि फेसबुक कमेंट बॉक्स लग चुका है या फिर नहीं। ओके, तो उसके लिए मैं व्यू ब्लॉग पे क्लिक करूंगा और अब यहाँ से हम किसी भी एक पोस्ट को ओपन कर लेते हैं और हम इसका जो कमेंट बॉक्स है उसको यहाँ से देखते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे फेसबुक का कमेंट बॉक्स आ चुका है और इसके नीचे आपको ब्लॉगर का कमेंट बॉक्स दिखाई देगा। तो अब देखिए हमारे पोस्ट के अंदर दो कमेंट बॉक्स हो चुके हैं। तो चलिए हम ब्लॉगर का जो कमेंट बॉक्स है उसको हाइड कर देते हैं।
तो उसके लिए आपको दोबारा से ब्लॉगर के अंदर आना होगा। ब्लॉगर के अंदर आपको सेटिंग के अंदर आना होगा और सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पोस्ट कमेंट एंड शेयरिंग का ऑप्शन, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके अंदर आपको यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और इसके अंदर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा कमेंट लोकेशन। ओके, इसके सामने जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है हाइड का। ओके, तो आपको हाइड पे क्लिक करके यहाँ पे हाइड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस सेटिंग को यहाँ से सेव कर देना है। अब चलिए हम अपनी पोस्ट को दोबारा से रिफ्रेश करके देखते हैं और देखते हैं कि ब्लॉगर का कमेंट बॉक्स है ये यहाँ पे हाइड हुआ है या फिर नहीं। ओके, तो ये मैंने रिफ्रेश किया और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेसबुक का कमेंट बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है। तो अब जो भी आपकी वेबसाइट पे आएगा, आपकी पोस्ट को ओपन करेगा और वो यदि आपकी पोस्ट में कमेंट करना चाहेगा तो उसको यहाँ पे फेसबुक में पहले लॉगिन करना होगा, उसके बाद ही वो आपकी पोस्ट में कमेंट कर पाएगा। ओके, तो यदि इस तरह से आप भी अपनी वेबसाइट के अंदर फेसबुक कमेंट बॉक्स लगाना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वेबसाइट के ऊपर जाके आप उन कोड को कॉपी कर सकते हैं और उन कोड की मदद से आप भी अपनी वेबसाइट के अंदर फेसबुक कमेंट बॉक्स लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपके कोई सवाल हैं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नए टॉपिक पे नए वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।